आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल गुरु जी की करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है, जिसके अंदर करंट अफेयर्स एंड जीके के सभी क्वेश्चंस मैंने शामिल किए हैं। ये सभी क्वेश्चंस मैं डेली दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में से लेता हूँ, और आप सभी स्टूडेंट्स भी डेली जो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है उसमें से इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में जब मैं क्वेश्चंस आप सभी स्टूडेंट्स के सामने वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में जिन स्टूडेंट्स को भी आंसर्स पता होते हैं तो क्वेश्चन का नंबर लिख के और आंसर नंबर लिख के आप कमेंट कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात ये, और जिन स्टूडेंट्स ने मान लो पीजी वगैरह में रहते हैं जिनके पास न्यूज़पेपर वगैरह नहीं आता, तो आप सिंपल सा दैनिक भास्कर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है, ये आपके अंदर एक मोटिवेशन लेके आती है, एक कॉन्फिडेंस लेके आती है। और सबसे बड़ी बात, आगे आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें फिर आपको करंट अफेयर्स के लिए और जीके के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, आज 21/5/2022 के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, आतंकवाद विरोधी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? दोबारा सुनिएगा, आतंकवाद विरोधी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? एक छोटी सी बात इसी बीच के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी स्टूडेंट्स जिस तरह से अगर बोर्ड में साथ में अगर आंसर दूंगा तो आप सभी स्टूडेंट्स को एक बुक की तरह हो जाएगा कि मैंने कुछ पढ़ाया आंसर बता दिए और वो आपके जमीन से स्लिप हो जाता है। अगर आप उसको न्यूज़पेपर में से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे मेरे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में खुद देने की, तो वो चीज आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। तो जितना हो सके आप कोशिश कीजिए, चाहे ऐप के थ्रू दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर से पढ़ने की, या आप घर पे अखबार आता है तो उसमें से पढ़ने की। सेकंड क्वेश्चन, राजीव गांधी की हत्या कब की गई थी? थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में मोदी द्वारा दिया गया मंत्र या विजन क्या है, वह एवं इसके लक्ष्य क्या है? दोबारा सुनिएगा कि हाल ही में मोदी द्वारा दिया गया मंत्र या विजन क्या है एवं इसके लक्ष्य क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, देश की सर्वश्रेष्ठ लॉ कॉलेज का सम्मान किस कॉलेज को दिया गया है? दोबारा सुन लीजिएगा कि देश की सर्वश्रेष्ठ लॉ कॉलेज का सम्मान किस कॉलेज को दिया गया है और ये कहां पर स्थित है। फिफ्थ क्वेश्चन है, गिलाई सागर बांध कहां पर स्थित है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान जीके के लिए कि गिलाई सागर बांध कहां पर स्थित है। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि बैडमिंटन, दोबारा सुनिएगा, बैडमिंटन थाईलैंड ओपन सेमीफाइनल में पहुंचने वाली खिलाड़ी का क्या नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा सुनिएगा कि बैडमिंटन थाईलैंड ओपन सेमीफाइनल में पहुंचने वाली खिलाड़ी का क्या नाम है। सेवंथ क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी पेपरलेस विधानसभा कौन सी है, वह इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, वह इसका उद्घाटन किसने किया है। दोबारा सुनिएगा कि देश की सबसे बड़ी पेपरलेस विधानसभा कौन सी है, इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, वह उद्घाटन किसने किया। एट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सीमा पर झिरी पंचायत में राजस्थान का अंतिम गांव कौन सा है। यह क्वेश्चन मुझे कुछ हद तक तो इंपोर्टेंट भी लगा और कुछ हद तक मुझे ये भी लगा इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने इसको इन्वॉल्व किया है। अगर आते होंगे इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है ये। दोबारा सुनिएगा कि मध्य प्रदेश सीमा पर झिरी पंचायत में राजस्थान का अंतिम गांव कौन सा है। नाइन्थ क्वेश्चन, यात्री द्वारा 180 डिग्री देखने की क्षमता वाले भारतीय कंपनी के यार्ड का क्या नाम है और ये कहां पर है। दोबारा सुनिएगा कि यात्री द्वारा 180 डिग्री देखने की क्षमता वाले भारतीय कंपनी के यार्ड का क्या नाम है। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल पर धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा करंट अफेयर्स क्लास से अगर कुछ भी बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल पर लिए बहुत बहुत धन्यवाद।